ओर शासन लाखों रुपए खर्च कर बच्चों के पढ़ने की सुविधा के लिए मजरे टोले पर स्कूल बना रही है ताकि नौ निहालों को परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन स्कूल भवन बने होने के बाद भी बच्चों को यह परेशानी उठानी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के गुडबेल टप्पर की। हमारे संवाददाता कमल गर्ग राही ने मौके पर जाकर देखा तथा ग्रामीणों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि गुडबेल टप्पर पर करीब 6 वर्ष पूर्व नवीन प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण किया गया, लेकिन उसमें स्कूल न लगाते हुए नौनिहाल बच्चों को 2 किलोमीटर दूर गुडबेल बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। गुडबेल के सरपंच पति मांगीलाल ने बताया कि विद्यालय भवन होने के बाद भी गुडबेल टप्पर से करीब 50 बच्चों को ठंड, गर्मी तथा बारिश के मौसम में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। टप्पर के ही कुंवर सिंह करण सिंह ने बताया कि बारिश के समय में बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रास्ते खराब होने के साथ ही बीच में एक नाला पड़ता है जिसे बारिश में पार करके उन्हें जाना पड़ता है, जिससे कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है। अब गर्मी का मौसम भी शुरू होने वाला है, इस भीषण गर्मी में भी बच्चों को विद्यालय जाना उनकी मजबूरी है। ग्रामीणों की मांग है कि जब यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भवन बना हुआ है तो फिर उस भवन का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। शासन द्वारा भवन बनाने पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं जो आज लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि गुडबेल टप्पर पर आदिवासी तथा बारेला समाज के करीब 35 से 40 घर हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी HL कुशाल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में BRC से चर्चा कर जानकारी लेता हूं। उधर BRC राम बागड़ी ने कहा कि विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि गुडबेल टप्पर पर बने प्राथमिक विद्यालय में ही बच्चों की पढ़ाई हो। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मांगीलाल। आप यहाँ पे क्या हो? मैं सरपंच का पति हूँ। अच्छा, ये कहाँ खड़े हैं अपन? अब ये स्कूल के सामने खड़ा है, जहाँ स्कूल है गुडबेल टप्पर। गुडबेल टप्पर बोलते हैं इसको। हाँ, तो जो स्कूल बना हुआ ये कब बना था और क्या समस्या बताओ पूरा आप। ये 5-6 साल होगा बढ़िया। कोई कितने बच्चे हैं गुडबेल टप्पर पे? ये 50 से ऊपर है, 50-55 से ऊपर है, और बल्कि 60 के आसपास होगा, 2 मोहल्ला का घर। ये पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? अब यहाँ से गुडबेल जाए वो कितना लंबा पड़ता है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, बारिश में क्या स्थिति रहती है? बारिश में सर बहुत ज्यादा आफत पड़ती है, तो कीचड़ है, ये रोड से गोया में से ढोर भी निकले या ट्रैक्टर होने, तो बच्चे जा ही नहीं पाए यहाँ से। क्या पहली से पांचवी के बच्चे जाते होंगे? हाँ। अच्छा, सरपंच बन गए आप, तो अब आप क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए रोड बन जाए और कई स्कूल यहाँ के यहाँ लग जाए तो छोटे छोटे बच्चों को परेशानी नहीं आएगी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद काकोड़िया। किस विद्यालय में और किस पद पे हो? मैं एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय गुड़वेल में पदस्थ हूँ और मैं प्राथमिक शिक्षक के पद पे हूँ। ये बताओ कि गुड़वेल टप्पर से कितने बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं? गुड़वेल टप्पर से 55 बच्चे आते हैं। अच्छा, वो कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर के अंतर्गत में पूरा फैला हुआ है। तो पहली से पांचवी तक के बच्चे जो है मतलब 3 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ एक विद्यालय नहर के किनारे बना हुआ आज से 5 साल पहले, ऐसे गांव वालों का कहना है। तो वो विद्यालय अभी तक संचालित क्यों नहीं हुआ? सर, वो विद्यालय एक पुराना था जो वो जर्जर स्थिति में हो गया था। वो विद्यालय पूरा पानी चूता था, वो तो बैठने लायक योग्य नहीं था। हमने आगे BO कार्यालय और इनमें जानकारी दी, संकुल कार्यालय पे जानकारी दी, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि आप उस विद्यालय में बच्चों को मत बैठाओ। फिर इसके बाद में एक अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हुआ था, तो वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। अब वो वहाँ बच्चे में बिठा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रूम पढ़ाने के लिए, मेरे को वहाँ से बोला था कि आप एक माध्यमिक विद्यालय में एक कक्ष ले लो, उन्हें बच्चों को पढ़ाओ। क्या तैयारी नहीं हुई, कम्प्लीट क्यों नहीं हुआ, क्या कमी? अब सर वो पंचायत वाले जानते नहीं, कमी क्या मतलब पढ़ाने के? वो दरवाजे नहीं है उसमें, और अभी पूरा जर्जर पड़ा हुआ, ना उसका प्लास्टर है ना कहीं व्यवस्थित नहीं है। जो अभी नया बना है नहर के पास, हम उसकी बात कर रहे हैं जी। उस विद्यालय को हम लोग देख के आ रहे हैं जी। वो पूर्ण रूप से कंप्लीट है, लेटरिन बाथरूम वहाँ बनी हुई है, और आप बता रहे हैं कि उसमें प्लास्टर ही नहीं हुआ है। आप देख के आ रहे हो, गेट ही नहीं, आप देख लो वहाँ पे जाके, मैं चलता हूँ, आप चलो मेरे साथ में, वहाँ गेट ही नहीं है। और फिर इसके बाद में ये दोनों विद्यालय कम से कम 5-6-7 साल से लग रहा है यहाँ पे, तो उस बीच में शासन ने इसको एकीकृत में कर दिया। वो मैं तो नहीं कर सकता, मैंने BRC महोदय के पास में गया हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि सर अब अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से ऐसा आदेश आया है,
और आप देख लो आप यही इसमें चलेगा स्कूल को, तब से हम एकीकृत में हो गए सर। कितना समय हो गया इनको एकीकृत में? पहले भी करीब करीब मैंने 15 साल वहाँ पे स्कूल अलग लगा, मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है, मैं तो आज भी जा सकता हूँ। एकीकृत हुए कितने साल हो गए? एकीकृत हुए 2 साल हो गए। 3 साल नहीं सर, वैसे तो 4 साल हो गए। हाँ एक वो ऊपर लेके 4 साल से एक हो रहा था, पर कागज से 3 साल हो गए। कागज में हाँ 2-3 साल हो गए सर। तो अच्छा बच्चों को ये गणवेश वगैरह वितरण हो गई क्या? हाँ बिल्कुल, नहीं इस वर्ष की तो अभी यही नहीं गणवेश ना, मतलब पिछले साल की भी हो, कोरोना के बाद में तो बच्चों को शायद एक बार मिली, एक बार आई थी सर। नाम है आपका? करण जी। कहाँ रहते हो? गुड़बर टप्पर। अच्छा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 4। स्कूल कितने बच्चे जाते हैं उसमें से? 30। दो दो तो जाते 30 के लग। अच्छा कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? गुड़बर। अच्छा कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 81 मिनट। 1 किलोमीटर करीब। हाँ वो बारिश में परेशानी भी आती होगी? हाँ। अच्छा ये पीछे तुम्हारे जो स्कूल बना हुआ है इसमें स्कूल लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगेगा। अभी तक लगा कि लगा स्कूल? नहीं लगा। अभी तक नहीं लगा। हाँ। नाम है आपका? कुंवर सिंह। आपके गुड़बेल टप्पर से कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं? मतलब पूरे बच्चे? आपके आपके? मेरे तो 3 जाते हैं। अच्छा अच्छा तो कितना पड़ता है यहाँ से गुड़बेल? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। कोई परेशानी आती है उसमें? हाँ कीचड़ रेता मतलब बारिश में आती है, अभी तो गड्ढा गुड्डी में भी थोड़ा सुरख परेशानी वैसी भी है। नाला पूरा आता है जो बुजरा में पुलिया छोटा है उसमें पानी भरा जाता है, तो बच्चे स्कूल से भी वहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो यहाँ से भी मतलब कि खाल का वजह से हम भी नहीं भेजते हैं ने। अच्छा आपके यहाँ जो स्कूल बना हुआ है तो आप चाहते हो कि ये स्कूल यहीं लगे? तो यहीं रहे तो बहुत ही अच्छा ने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।